हीरो और होंडा ये दोनों कंपनियां अलग क्यों हुई, कभी सोचा है? चलो बताता हूँ। 1984 में भारत में बाइक्स नहीं थी, इसलिए सिर्फ स्कूटर ही बिका करते थे। तब भारत की हीरो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी थी और जापान की होंडा कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी बाइक बनाने वाली कंपनी थी। हीरो कंपनी को सिर्फ इंजन ही बनाना आता था, इसलिए दोनों कंपनियों ने मिलकर एक डील की जिसमें ये फाइनल हुआ कि हीरो कंपनी बाइक्स की बॉडी बनाएगी और होंडा कंपनी बाइक्स के इंजन बनाएगी। फिर साथ में काम करके इन्होंने अपनी बाइक CD100 लॉन्च की। ये बाइक स्कूटर से सस्ती थी और इसकी माइलेज भी ज़्यादा थी, और जो भी इस बाइक को चलाता था वो इसका दीवाना हो जाता था, जिससे ये बाइक हिट हुई और हीरो होंडा कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी बाइक्स बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद हीरो कंपनी ने होंडा कंपनी से जापान के अंदर अपनी बाइक्स बेचने के लिए कहा, लेकिन होंडा कंपनी ने मना कर दिया। और इस तरह व्यवहार ख़राब होने से होंडा कंपनी ने हीरो कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन चुरा ली, जिसके चलते होंडा कंपनी ने हीरो होंडा जैसी समय बाइक सस्ते में बेचने लगी, जिसकी वजह से हीरो कंपनी धोखे से बर्बाद हुई और दोनों कंपनी अलग हुई। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते